जी, नमो महामंत्री भीमा पादा और यहाँ महाजन जी, हमारे इस अभियान के प्रदेश के संयोजक मनीष कलुजिया जी, सह संयोजक अंकुश जी, यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता बहनें, चुनाव के मोड़ से हम लोग संगठनात्मक मोड़ पर दोबारा आ गए। चुनाव के मोड़ में एक दूसरा रंग होता है, उस रंग से निकलकर हमको एक्चुअली अब संगठनात्मक मोड़ में आना है। स्वाभाविक है कुछ इसमें समय लगता है, चुनाव में जब हम काम करते हैं तो काम करने का तरीका अलग होता है, संगठनात्मक दृष्टि से जब हमको काम करना है तो काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन अब हमको चुनाव के मोड से संगठनात्मक मोड में ये आने की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारी संगठन की व्यवस्था है, हमने प्रदेश के पदाधिकारी को जिला बांटा है, जिला के प्रभारी है, जिला के पदाधिकारियों को हमने मंडल बांटे हैं, मंडल के प्रभारी है, इन जिला के प्रभारी और मंडल के प्रभारियों को थोड़ा सभी बहनों को, सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता तब पूरी होगी जब हम प्रवास करेंगे, हम जाएंगे, जिला वाले जिला में जाएंगे, मंडल वाले मंडल में जाएंगे और प्रवास करेंगे और अपने सभी बहनों को हम एक्टिवेट करें, इसकी आवश्यकता है। और ये एक्टिवेट हमको किस लिए करना है इस समय, तो सदस्यता अभियान है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तंजीम में, हर संगठन में, कोई नया संगठन भी बने, उस संगठन में हम पहली बात करते हैं कि संगठन की मेंबरशिप बनाएंगे, तो हमको मेंबरशिप करनी है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम पिछले दिनों कहते थे कि हमारे मेंबर 17 करोड़ है। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमारी मेंबरशिप 17 करोड़ थी, इसको हमको मेंबरशिप उसी अंदाज में हमको लेनी है। भारतीय जनता पार्टी में 6 साल की मेंबरशिप होती है। एक बार कोई भी मेंबर बना वो उम्र भर मेंबर रहेगा ऐसा नहीं होता है, 6 साल की मेंबरशिप है। सबकी 6 साल की मेंबरशिप के बाद, 6 साल के बाद मेंबरशिप खत्म होती है, नई मेंबरशिप करनी पड़ती है। तो हमने सबने नई मेंबरशिप करनी है। आपने देखा कि सितंबर के महीने में सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेंबरशिप ली, क्योंकि उनकी भी मेंबरशिप खत्म हो गई थी, 6 साल की मेंबरशिप होती है। ये मेंबरशिप हम 2024 से लेकर 2027 तक 3 साल की मेंबरशिप की ड्राइव है और 27 से लेकर फिर 30 तक और 3 साल की ड्राइव रहेगी। वो जो 27 से 30 तक हम फिर ड्राइव चलाएंगे वो इसमें ऐड हो जाए और 30 के बाद जब 30 में या 31 में मेंबरशिप होगी तो ये मेंबरशिप 24 से लेकर 31 तक वाली समाप्त तो हो जाएगी। 31 से हमने नई मेंबरशिप कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है, इसलिए हम सबको मेंबरशिप करनी और भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप करनी है, इसलिए बड़ी मात्रा में करनी है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि पार्टी ने सितंबर महीने में जब मेंबरशिप शुरू की तो पार्टी ने 10 करोड़ मेंबर बनाने का टारगेट दिया था। ये 10 करोड़ मेंबर भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर के आखिर में, सितंबर में शुरू किया और अक्टूबर के आखिर में ये 10 करोड़ मेंबर भारतीय जनता पार्टी के बन गए। और इसमें 3 स्टेट्स नहीं है जिनमें चुनाव, 2 में चुनाव चल रहा था, 1 में वहां की परेशानी के कारण नहीं हो रहा था, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में।
मेंबरशिप नहीं हुई थी और बंगाल में मेंबरशिप नहीं हुई। अब जम्मू कश्मीर हरियाणा और बंगाल में भी मेंबरशिप शुरू हो रही है, ऐसा इस मेंबरशिप ड्राइव को हमको चलाना। हमने जब 2014 में मेंबरशिप की थी तो हमारी मेंबरशिप उस समय 6,40,863 हुई। फिर हमने 19 में फिर मेंबरशिप की, वो 16,67,000 हुई थी और दोनों को जोड़ेंगे तकरीबन 22,23,00,000 हमारी मेंबरशिप हुई थी। इसीलिए 23 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ तो हमारे पूर्व अध्यक्ष जो उस समय अध्यक्ष थे रविंद्र रैना जी ने 20 लाख का टारगेट हमको दिया है। इस 20 लाख के टारगेट को हमको अचीव करना है पार्टी। हमने ये भी कहा कि भाई जितने वोट हमने लिए हैं, जितने वोट हमने अभी 2024 की असेंबली चुनाव में लिए हैं, इतने सदस्य हमको बनाने। हमने जम्मू कश्मीर में, जम्मू में 14,05,696 वोट लिए, 14,05,696 वोट हमने जम्मू में लिए और कश्मीर में हमने 58,686 लिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तकरीबन 14,64,382 होता है, यानी 14,45,000 हमने वोट लिए हैं। जिन्होंने हमको वोट डाला है उनको तो हमको मेंबर बनाना ही बनाना है। अब आप देखेंगे अगर हमको 14,64,000 वोट मिले हैं तो 50% तो बहने हैं, 50 नहीं है तो 45% तो बहने हैं। तो 45% अगर बहने हैं तो बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी वोट में, उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूं कि इतने हम जीते हैं और उसमें बहनों का भी बड़ा रोल है। मैंने कई बार बताया आपको पार्लियामेंट चुनाव में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा सामने आया, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीते, उसमें जब वोटों की टैली हुई उस टैली में 5,38,000 महिलाओं ने वोट डाले थे और 5,63,000 पुरुषों ने डाला, यानी अंतर कितना था, 10-20,000 का, 10-20,000 का अंतर कुल था। ये अंतर पहले बहुत होता था, लाखों में होता। अगर 5 लाख पुरुष डालते थे तो 3-3.5 लाख महिलाएं डालती। मैंने शायद आपको सुनाया कि चंद्रमोहन गुप्ता जी ने पिछले दिनों एक किस्सा सुनाया। चंद्रमोहन गुप्ता जी पठानकोट गए थे, पंजाब गए थे किसी काम से, जब वापस आए तो उनको लखनपुर में लगा कि चाय पिए। लखनपुर में किसी टावे के पास रुके और टावे वाले को कहा चाय बनाओ, टावे वाला चाय बना। अब टावे वाला चाय बना रहा है तो टावे वाले को नहीं पता कि ये चंद्रमोहन गुप्ता है, मेयर रहा है, बीजेपी का लीडर है। वैसे चंद्रमोहन जी ने उससे पूछा, उस थोड़ा बड़ी आयु का था चाय बनाने वाला, उससे पूछा भैया तुमने लाल सिंह को क्यों हराया, लाल सिंह तो बड़ा नेता है, उसको आप लोगों ने क्यों हराया। उस चाय वाले ने जो उत्तर दिया, वो चाय वाला चंद्रमोहन जी को कहता है सभी बुजुर्गों ने लाल सिंह को वोट दिया, सभी नौजवानों ने लाल सिंह को वोट दिया, अगर किसी को लाल सिंह ने वोट नहीं दिया तो वो माता है। साधारण व्यक्ति भी इस बात को मानता है कि बहने माताएं ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और बड़ी मात्रा में अब वोट करती। वो जमाना चला गया जब महिलाएं वोट डाले नहीं करती, अब महिलाएं बहने वोट डालने निकल रही है। इसलिए हमारे सामने भी ये टारगेट होना चाहिए, हमारे सामने भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर 14 लाख वोट हमको मिला है
इसमें 6 लाख तो महिलाओं का वोट है, तो हमको 6 लाख सदस्य बनाने हैं। अब हमारे महामंत्री, हमारे प्रभारी, हमारी प्रिया जी बैठकर हर जिले को कितने बनाने हैं, उस जिले में जितने वोट मिले हैं, मेरे पास वो भी आंकड़ा है किस जिले में कितने वोट मिले हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको कितने वोट मिले, वो भी मेरा आंकड़ा, मेरे पास आंकड़ा है। लेकिन उस आंकड़े को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो हम रियासी में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, गुलाबगढ़ है, रियासी है, माता वैष्णो देवी है। गुलाबगढ़ में हमको 12,000 वोट मिला, रियासी में हमको 40,000 वोट मिला और माता वैष्णो देवी में हमको 18,000 वोट, तो इसका मतलब है 70,000 वोट मिला हमको रियासी में। 70,000 में से कम 25,000 बहनों का वोट है, तो 25,000 का लक्ष्य हमको रियासी में लेना पड़ेगा कि रियासी में हम 25,000 सदस्य बनाए। अब ये 25,000 सदस्य तो ऐसे नहीं बनाएंगे मेरे कहने से बन गए या आपके कहने से बन गए, उनके लिए उसके लिए आपको परिश्रम भी करना, उनके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उनके लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जैसे हमने चुनाव में समय दिया, समय निकाल कर लगाया, उसी प्रकार हमको इस सदस्यता अभियान में भी समय लगाना पड़ेगा। हमारा समय 6 नवंबर से शुरू होता है और 6 दिसंबर को खत्म है। 6 दिसंबर भी बड़ा अच्छा दिन है, उस दिन को हमने इसको समाप्त करना है, इसलिए 6 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, 1 महीने का समय, इस 1 महीने में हमको और डिजिटली करना है। ऐसा नहीं है कि हमको इसको मैनुअल करना है, कहीं अगर आवश्यकता लगे आपको, कहीं दूरस्थ स्थानों पर, किश्तवाड़ में, डोडा में, रामबन में, रियासी में, रजौरी में, पुंछ में, हमको लगे कि नहीं हम डिजिटली नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फोन नहीं है, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। आपके जिला अध्यक्ष के पास मैनुअल फॉर्म पहुंच गए, आप अपने पेरेंट जिला अध्यक्ष से मैनुअल फॉर्म ले लीजिए और मैनुअल फॉर्म आप भर सकते हैं। शहर में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर में तो डिजिटली होगा। अगर आपको शहर में भी लगेगा कि हमको कोई मैनुअली करना है, किसी के पास फोन नहीं है, क्या करेंगे, तो उसका मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअली करना पड़ेगा, तो मैनुअल उसको है, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सब लोगों के पास ये एंड्रॉइड नहीं, टेलीफोन मोबाइल भी सब लोगों के पास है, ऐसा नहीं है। तो बुजुर्ग नहीं, नौजवान भी नहीं रखते। हमारे यहाँ मजदूर संघ के एक संगठन मंत्री थे सरदार जी, उनके पास फोन था लेकिन लैंडलाइन, उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा, वो मोबाइल नहीं रखते थे। हमको जब मोबाइल देखते थे तो चिढ़ जाते थे हमारे। और आज अब हमारी बैठकों में, बीजेपी बैठकों में भी ये नियम लागू हो गया कि मोबाइल लेकर अंदर नहीं आना, बाहर व्यवस्था करते हैं, बाहर रखो मोबाइल टेबल पर, उसके लिए वहां व्यवस्था करते हैं, मोबाइल एक दूसरे का बदलेगा नहीं, इसलिए वहां नंबर देते हैं, उस नंबर उस मोबाइल पर लगा देते हैं, उस नंबर की कॉपी आपको देते हैं, जाते समय आप अपना मोबाइल ले जाइए, ऐसा शुरू हुआ है। क्योंकि ये मोबाइल जितना आगे बढ़ा है उतना इसने खराबी भी लाई है, ये भी हमारे ध्यान में है। इसलिए यहाँ तो हम डिजिटली कर सकते, लेकिन अगर हमको कहीं मैनुअल करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ कार्यालय से भी तिलक जी से फॉर्म ले सकते हैं और मैनुअली उसको भर सकते हैं। मैनुअली भरने के बाद भी उसको डिजिटलाइज करना है, उसकी व्यवस्था यहाँ है। आपने मैनुअल फॉर्म भर दिया, यहाँ जमा करा दीजिए आईटी में, आईटी वाले आप उसको स्वयं डिजिटल करा देंगे, वो डिजिटल उस पर चढ़ा देंगे। सर, अगर हम वो मैनुअल फॉर्म भर के देंगे तो हमारे रेफरल कोड में डाल देंगे उसको? नहीं, उसमें रेफरल कोड में फिर चढ़ नहीं चढ़ेगा, चढ़ सकता है, वो भी कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जहां जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसको फॉर्म मैनुअल फॉर्म नहीं भरना है। अब जिसके पास नहीं है उसके लिए आप भर सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था हमारी है, लेकिन
जैसे मैंने कहा कि इस जिले में इतने हैं, इस प्रकार से हमको उसको पूरा करना है। मान लो हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में भी हमारे दोनों जो हमारे जिले हैं, इनमें भी तकरीबन 80,000-70,000 वोट मिला है। तो उसका 40% 45% हम निकालेंगे तो 30,000-35,000-25,000 महिलाओं को हमको मेंबर बनाना है। ये हमको करना है, इसको हम ध्यान में रखें। आज हमने इसकी लॉन्चिंग कर दी सभी जगह पर, जहां जहां आपने इसको डिजिटली करवाया है, हमारी बहनें बैठी है उन्होंने भी इसको लॉन्च किया है। इसको हम करेंगे। हमने वैसे जिला की कार्यशाला, मंडल की कार्यशाला, प्रदेश की कार्यशाला रखी, उसमें जिला की कार्यशाला में शायद आपको भी मौका मिला होगा जाने का, मंडल की कार्यशाला में आपको भी मौका होगा जाने का। फिर हमने शक्ति केंद्रों पर भी छोटे छोटे प्रशिक्षण रखे हैं, कैसे करना है, कोई कठिनाई तो नहीं आती है, हम सबको अभ्यास होना चाहिए कि हम ये कर सके। उसके वर्कशॉप हमने प्रदेश स्तर से लेकर शक्ति केंद्र तक पिछले दिनों किए और फिर 6 तारीख को इसको हमने प्रदेश पर लॉन्चिंग की और 7 और 8 तारीख को मोर्चे की लॉन्चिंग इसको हमने की। 9 तारीख से यानी कल से 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमने कहा है कि हमको घर घर जाकर मेंबर बनाना है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। सुबह हम नहीं दे सकते हैं समय तो शाम को दे सकते हैं समय, दिन में दे सकते हैं समय। महिलाएं घर में होती है, कामकाजी महिलाएं बहुत थोड़ी है। अगर कामकाजी महिलाएं हैं भी, जहां कामकाजी महिलाएं हैं वहां स्टार लगाकर हम कर सकते हैं, वहां स्टार लगाकर करिए। और दिन में दोपहर में हम घर जाकर महिलाओं को, बहनों को हम मेंबर बनाए 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। उसका मतलब नहीं है कि 17 तारीख को हमने बंद करना है। एक हमने ये 9 दिन का अभियान लिया है, हम आपको बताएंगे कि आपके कितने मेंबर बने हैं। लेकिन 18 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक हमने इसको आगे बढ़ाना है। फिर उसी प्रकार घर घर जाना है और इसको पूरा करना है। इसमें 9 तारीख से लेकर 6 तारीख तक 4 रविवार आएंगे, 10 तारीख रविवार है, 17 तारीख रविवार है, 24 तारीख रविवार है और 1 दिसंबर को रविवार है। ऐसे 4 रविवार आएंगे। इन 4 रविवार को हमने इसको महाअभियान देना है। हमने उसका नाम दिया है अटल महासदस्यता अभियान। अटल महासदस्यता अभियान क्यों नाम दिया, क्योंकि अटल जी का 100वां 100 वर्ष जन्म के पूरे हो जाते हैं। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर